सेल्फ हीलिंग चैप्टर 1 घर से धन प्राप्ति का डे 6। शायद आपको जानकर हैरानी होगी पर शास्त्रों में जल्दी सफल बनने का भी एक फॉर्मूला है। हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही जल्द सुधार सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये किसी भी फील्ड में सफल होने का विज्ञान है। इन सभी टेक्निक्स को सक्सेसफुल लोग आज भी डेली अपनाते हैं। 5 मिनट के इस वीडियो में आप जानेंगे दुखों को हमेशा के लिए दूर करने की वो टेक्निक्स जिससे फिर आप अपनी सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं और एक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको कामयाबी के वो गुप्त राज बताते हैं जिसने अब तक बहुतों का जीवन बदला है। इसलिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने का ये शुभ मुहूर्त है। ये वीडियो सफलता की वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। डे 6 की पहली टेक्निक, धन धावन, एक आयुर्वेद ग्रंथों द्वारा वर्णित दिनचर्या का सोपान है। शौच विधि अर्थात पेट की सफाई के पश्चात धन धावन किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में दांत साफ करने के लिए दातुन का उपयोग किया जाता था, जिसके लिए नीम, करंज, बबूल, आम या दालचीनी के दातुन का उपयोग करना उत्तम होता था। आप भी कोशिश किया करो हफ्ते में 2 से 3 बार दातुन करने की। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट उपयोग में लेते वक्त करना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेदिक ब्रश का इस्तेमाल करें और ब्रश के रोए नरम मुलायम होने चाहिए और ब्रश को 1-2 मिनट से अधिक ना घिसे। ध्यान रखें कि मसूड़ों पर भूल से भी ब्रश ना घिसे। हमेशा केमिकल फ्री आयुर्वेदिक टूथपेस्ट उपयोग में लें। टूथब्रश से अपनी जीभ को भूल से भी साफ ना करें। दोस्तों, आप कभी भी किसी एक टेक्निक से सफल नहीं हो सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक साथ अलग अलग तरीकों पर काम करना पड़ेगा। डे 6 की दूसरी टेक्निक, घर की सभी दिशाएं और वस्तुएं आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। अगर आप अपने घर में छुपे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण के वास्तु दोष से अनजान है तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट दिशा के सभी वास्तु दोषों को अति शीघ्र दूर करना बेहद जरूरी है। सफलता प्राप्ति के लिए घर की नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण से परमानेंट नेगेटिविटी हटाना बेहद जरूरी है। घर के सेंटर में पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं। आपके पीछे पश्चिम दिशा है, आपके राइट साइड में साउथ और लेफ्ट में नॉर्थ है। नॉर्थ और वेस्ट के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। अब घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण वाले स्थान में आ जाएं और वहां आकर कटोरी में एक कपूर की टिकी और दालचीनी डालकर जला दीजिए और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम मम चंद्र ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ये बोलते रहे। यदि किसी कारण आपको नॉर्थ वेस्ट की दिशा समझ में ना आए तो आप ये प्रयोग घर के मंदिर के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं और फिर इसका धुआं पूरे घर में फैला दीजिए। डे 6 की तीसरी टेक्निक, आज के दिन ठीक 8:08 पर हमेशा की तरह आपको ये धारणा मैनिफेस्टेशन आज 3 और 6 बार करनी है। इस धारणा को पहले से ही एक कागज पर लिखकर रख लीजिएगा। अब सबसे पहले इसे 3 बार पढ़ें। मेरे घर की वायव्य कोण दिशा के सभी वास्तु दोष और नेगेटिविटी खत्म हो गई है। मेरे घर की वायव्य कोण दिशा के सभी वास्तु दोष और नेगेटिविटी खत्म हो गई है। मेरे घर की वायव्य कोण दिशा के सभी वास्तु दोष और नेगेटिविटी खत्म हो गई है। अब इसे 6 बार पढ़ें। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। अब मेरी सफलता के सभी रास्ते खुल रहे हैं। यदि 8:08 पर ये प्रयोग आप ना कर पाए तो फिर सुबह 9 बजे के पहले कभी भी इस प्रयोग यानी कि मैनिफेस्टेशन को आप कर सकते हैं। डे 6 की चौथी टेक्निक, मैनिफेस्टेशन के बाद आज के दिन यम बीज मंत्र के साथ इस तरह से आपको ध्यान का प्रयोग करना है। कल हमने रम बीज मंत्र के साथ ध्यान का प्रयोग किया था, आज हम यम बीज मंत्र के साथ ध्यान का प्रयोग करेंगे। शांत और एकांत जगह चुने जहां आपको कोई परेशान ना करे। आरामदायक कपड़े पहने, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, या फिर आप इन आसनों में बैठने में असमर्थ हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और अपनी पलकों को ढीला रखें। अपने हाथों को अपनी गोदी में या फिर अपने घुटनों पर इस तरह रखें। अब धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ते हुए यम बीज मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है। लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे यम 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 मन ही मन इस बीज मंत्र को बोलते हुए लंबा श्वास छोड़िए। इस क्रम को यानी कि लंबा श्वास लेना और लंबे श्वास को छोड़ना 27 बार से आपको शुरू करना है। 1-2 क्रम यदि ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस ध्यान को हमेशा खाने से पहले ही करना चाहिए। ध्यान के बाद आप अपने प्रतिदिन जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको कर लीजिएगा। डे 6 की 5वीं टेक्निक, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारा खेल हमारी एनर्जी का है। दिन के किसी खास समय में आपकी एनर्जी और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम होता है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिएटिव टास्क इसी दौरान करने चाहिए।
ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी से जल्दी हो सके। कई बार एक घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आम तौर पर एक दिन में भी नहीं हो पाता। याद रखें, समय की क्वांटिटी के बजाय समय की क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को क्वालिटी टाइम कहा जाता है। वे व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 4 से 5 काम को अच्छे से करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहला व्यक्ति समय की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है और दूसरा व्यक्ति समय की क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने प्राइम टाइम में काम शुरू करें। डे 6 की 6ठी टेक्निक। स्वर्ग प्राप्ति का तो हर कोई सोचता है, पर आप चाहें तो जीते जी अपनी बेल्कनी या छत को बेजुबान पक्षियों के लिए स्वर्ग बना सकते हैं। कोशिश करें अलग अलग तरीकों से आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की। दोस्तों, यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये सभी टेक्निक्स आपके बहुत काम आएगी। आज ही कोशिश करें इन तकनीकों को अपने जीवन में लागू करने की और फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। यदि पहली बार आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आपको शुरुआत डे 1 की टेक्निक से करनी है। याद रखें, सफलता आपके इंतजार में नहीं है, बल्कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागना होगा। डे 7 के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावरफुल टेक्निक्स जो आपको और भी तेजी से सफलता की ओर ले जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र, ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम।